जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अतुल टेक बाजार में। दोस्तों, Realme 10 Pro लेटेस्टली लॉन्च हुए डिवाइस हैं। Realme 10 में आपको G99 प्रोसेसर मिलता है, 10 Pro में SD695 प्रोसेसर। इस वीडियो में दोस्तों फुल कंपैरिजन करने वाले, साथ में फुल स्पीड टेस्ट भी हम लेके आए हैं आपके लिए, ताकि इन दोनों ही डिवाइस के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर ब्रीफ जानकारी मिल जाए। वैसे दोस्तों दोनों का ही हमने डीप रिव्यू बनाया है, चैनल पे अवेलेबल है, चेकआउट जरूर से करेगा। पीछे की तरफ 10 में आपको 50+2 मेगापिक्सल मिलता है, Realme 10 Pro में आपको 108+2 मेगापिक्सल कैमरा मिल जाता है। बैक साइड डिज़ाइन आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको ग्लॉसी बैक डिज़ाइन पीछे की तरफ दोनों ही डिवाइस में देखने को मिलता है, लेकिन फ्रंट में टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर आप Realme 10 में देखेंगे तो 6.4 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, जो कि आपको 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ में आता है, जबकि Realme 10 में यही डिस्प्ले आपको 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ में आता है 6.7 इंचेस का, जो कि एमोलेड डिस्प्ले नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप बेजल्स देख सकते हो, Realme 10 Pro के काफ़ी ज़्यादा थिक है। यहाँ पे ये जो बेजल्स है बाउंडलेस डिस्प्ले आपको प्रोवाइड करता है, का दोनों ही डिस्प्ले में डिफरेंस देख सकते हैं। एंड दोनों ही डिवाइस में सामने की तरफ 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। चलिए फटाफट से स्पीड टेस्ट करते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो ऑलवेज सभी स्पीड टेस्ट की तरह सबसे पहले यहाँ पे हम बूटिंग टेस्ट करने वाले हैं। Realme 10 में Realme UI 3.0 Android 12 है, जबकि Realme 10 Pro में आपको Realme UI 4.0 Android 13 का अपडेट मिलता है। यहाँ पे देखते हैं कौन सा मोबाइल सबसे फास्ट बूट कर पाता है। Realme 10 में Realme लोगो आ चुका है, एंड देन यहाँ पे सबसे पहले Realme 10 जो है बूट कर गया। तो इस बूटिंग टेस्ट में Realme 10 जो है वो विनर हो जाता है। तो यहाँ पे हम ऐप डाउनलोडिंग टेस्ट करने वाले हैं, जो कि प्ले स्टोर में 12 MB का गेम सेलेक्ट किया है। यहाँ पे दोनों ही मोबाइल Realme X7 5G डिवाइस से जुड़े हुए हैं वाईफाई नेटवर्क से। यहाँ पे हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करें ताकि रिजल्ट हमें जल्दी से मिल सके। अगर आप यहाँ पे स्लो मोशन में देखेंगे तो दोनों ही मोबाइल में प्ले बटन इक्वल टाइमिंग पे आया था। तो इस डाउनलोडिंग टेस्ट में दोनों ही मोबाइल जो है वो विनर होते हैं। ऐसे दोस्तों, यहाँ पे हम डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड टेस्ट करने वाले हैं। थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है ताकि फटाफट से स्कोर हमें मिले। देखते हैं कि कौन से मोबाइल की डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड हमें ज़्यादा मिलती है। 19 Mbps 10 में मिलती है, और 10 Pro में आपको 8 Mbps मिलती है, और अपलोडिंग स्पीड में थोड़ा सा 10 पीछे रह जाता है, 10 Pro थोड़ा सा आगे हो जाता है। दोनों ही यहाँ पे इक्वल बोल सकते हैं, बट डाउनलोडिंग स्पीड आप देख सकते हो 10 की बहुत ही ज़्यादा हमें मिली थी। नेक्स्ट टेस्ट दोस्तों, यहाँ पे हम CPU थ्रोटलर टेस्ट करने वाले हैं। इस टेस्ट से हमें CPU थ्रोटलिंग का पता चल जाता है कि स्ट्रगल कितना करना पड़ता है CPU को। मिनिमम 5 मिनट यहाँ पर लगते ही लगते हैं। फाइनल स्कोर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो येलो लाइन है दोनों में ही इक्वल हमें देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ पे परसेंटेज स्कोर देखें तो 88 Realme 10, 10 Pro 89, यहाँ पे 1% से विनर होता है 10 Pro, बट अप्रॉक्सीमेटली ये 6 nm प्रोसेसर है दोनों ही, तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे थोड़े से इससे 10 Pro विनर होता है, बट 10 का स्कोर भी काफ़ी अच्छा है। दोनों ही 6 nm प्रोसेसर है। यहाँ पर दोस्तों, अब हम ऐप ओपनिंग टेस्ट करने वाले हैं। कुछ ऐप को हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, कुछ गेम हैवी गेम, कुछ डेली यूजर्स की ऐप को हमने सिलेक्ट किया है। सबसे पहले हम देखते हैं BGMI PUBG गेमिंग को ओपन करके देख लेते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा हैवी गेम है, अप्रॉक्सीमेटली ये 2 GB का गेम है। थोड़ा सा मैंने इसे फास्ट फॉरवर्ड किया क्योंकि टाइमिंग यहाँ पे ज़्यादा ना लग जाए, वीडियो लंबा ना हो जाए। फटाफट से हम देखते हैं यहाँ पर कि कौन सा मोबाइल सबसे पहले 10 Pro ने इसे ओपन किया, और बहुत ही कम टाइमिंग के बाद यहाँ पे 10 ने इसे ओपन किया है। तो यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बट 10 Pro ने यहाँ पे इसे पहले ओपन किया है। नेक्स्ट दोस्तों, एंटीटू बेंचमार्क स्कोर ऐप को ओपन करके देख लेते हैं कौन सा मोबाइल सबसे सुपर फास्ट ओपन करता है। Realme 10 Pro ने इसे पहले ओपन किया है, अबव 4 लाख स्कोर मिलता है, और 3,96,000 के आसपास Realme 10 में मिलता है। दोनों के ही स्कोर में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। 10 जो है आपको G99 के साथ काफ़ी अच्छा स्कोर दे देता है। नेक्स्ट दोस्तों, टेम्पल रन गेम को ओपन करके देख लेते हैं कौन सा मोबाइल इसे फास्टली ओपन करता है, G99 या फिर SD695। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है SD695 जो है वो यहाँ पे पहले ओपन कर रहा है, यहाँ पे 10 Pro ने इसे पहले ओपन किया है। नेक्स्ट दोस्तों, कैंडी क्रश को ओपन करके देख लेते हैं कौन सा मोबाइल इसे फास्टली ओपन करता है। तो यहाँ पे दोस्तों, कुछ सेकंड पहले Realme 10 ने इसे ओपन किया है, थोड़ा सा डिफरेंस था, ज़्यादा डिफरेंट नहीं था। यहाँ पे कृष्णा गेम को ओपन करके देख लेते हैं कि कौन सा मोबाइल इसे फास्टली ओपन कर पाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली Realme 10 ने इसे ओपन किया है। शॉकिंग यहाँ पे रिजल्ट दे रहा है Realme 10 भाई, SD695 से को कड़ी टक्कर दे रहा है। यहाँ पे हम ओपन करते हैं लूडो किंग ऐप को, जिससे
आप ऑनलाइन ऑफलाइन खेल सकते हैं, देखते हैं कि कौन सा मोबाइल इसे यहाँ पे फर्स्टली ओपन करता है। भाई रियलमी 10 G99 प्रोसेसर के साथ में सही में शॉक कर रहा है। YouTube ऐप को ओपन करके देख लेते हैं, यहाँ पे अगेन से रियलमी 10 4G डिवाइस ने 10 प्रो को पीछे छोड़ा है। नेक्स्ट दोस्तों क्रोम ऐप को ओपन करके देख लेते हैं कौन सा मोबाइल सबसे फास्ट ओपन करता है। तो भाई स्लो मोशन में अगर हम देखेंगे तो दोनों ही मोबाइल ने इक्वली इसे ओपन किया है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग ऐप फ्लिपकार्ट देख लेते हैं कौन सा मोबाइल ओपन करता है। यहाँ पे दोस्तों हैंड रेज मैंने 10 प्रो पे किया है, लेकिन रियलमी 10 ने इससे पहले ओपन करा है। अगेन से दोस्तों ऑनलाइन शॉपिंग ऐप अमेजोन को ओपन करके देख लेते हैं, तो यहाँ पे रियलमी 10 ने इसे पहले ओपन किया है। भाई रियलमी 10 जो है G99 प्रोसेसर के साथ में इतना भी पीछे नहीं है जितना हम सोच रहे थे। फटाफट से रैम मैनेजमेंट चेक कर लेते हैं। तो ये था दोस्तों स्पीड टेस्ट दोनों ही मोबाइल के बीच में। 10 प्रो और 10 ने काफ़ी अच्छी टक्कर दी है। मतलब G99 प्रोसेसर SD695 से उतना भी पीछे नहीं है, यहाँ पे बहुत ही कम डिफरेंस है। बट सबसे बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि SD695 एक 5G प्रोसेसर है, 10 प्रो एक 5G डिवाइस है और 10 एक 4G डिवाइस है G99 प्रोसेसर के साथ में। ओवरऑल 10 जो है अच्छा परफॉर्मेंस आपको दे देता है। ऑफ़र के साथ इसका स्टार्टिंग प्राइस 13,000 रुपये है और रियलमी 10 प्रो जो है वो 17K से स्टार्ट होता है। यहाँ पे 5G और 4G है, 4G प्लस आपको एमोलेड मिलता है, 5G प्लस बेजललेस डिस्प्ले मिलता है, तो आपके ऊपर चॉइस है। अब ऐसे बहुत सारे वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है, चेकआउट जरूर से करिएगा। इस वीडियो में इतना मिलता है, नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बोलते रहिए वंदे मातरम।